फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूज पॉस्चर के बारे में। लूज पॉस्चर का जो सेशन है ना, वो शुरू हुआ था, उनका जो जन्म है वो हुआ था 1822 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1895 में। लूज पॉस्चर अपने काल के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक एंड केमिस्ट थे। उन्होंने अनेक सिद्धांत एवं कुछ थ्योरियां प्रस्तुत की है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी एवं कार्य प्रणालियां एवं कुछ टेक्निक जो उनके द्वारा डिस्कवर की गई है। लूज पॉस्चर को आधुनिक जीव विज्ञान का प्रदर्शक एवं संस्थापक माना गया है। लूज पॉस्चर का जन्म 1822 में हुआ था। सत्ताईस दिसंबर 1822 को लूज पॉस्चर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, उनके फादर जिनका नाम जोसेफ था, ये जोसेफ जो उनके फादर का नाम है, कहाँ रहते थे? फ्रांस में रहते थे। उन दिनों फ्रांस के गांव में लूज पॉस्चर के पिताजी चमड़े का व्यापार करते थे। वे काफ़ी निर्धन व्यापारी थे। उनकी काफ़ी बड़ी तमन्ना थी कि यदि वे अच्छे पढ़ लिख लिए होते तो वो बड़े से ऑफिस में क्या कर रहे होते, काम कर रहे होते, या फिर किसी भी जिस भी बिजनेस में वर्क कर रहे होंगे वहाँ उन्हें कुर्सी पर बैठकर होम चलाता किसी दूसरे पे, अगर मैं पढ़ लिख लिया होता। ये सब विचार थे लूज पॉस्चर के पिताजी के, कि अगर मैं अच्छा पढ़ लिया होता तो मेरा जीवन अच्छा होता। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन भर मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा उतारना पड़ता है, ऐसा वे मन ही मन सोचते रहते थे। तभी उन्हें खुशखबरी मिली कि उन्हें लड़का हुआ। ये सुनकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई। उन्हें लगा कि चलो, उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो वो अपने सपने को अपने बच्चों में पूरा करेगा, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखाएगा, इसके बाद और बड़ा अफसर बनाएगा। और वे कौन थे? लूज पॉस्चर। ठीक है, जब वह 5 साल का हुआ, निर्धन होने के बावजूद जो लूज पॉस्चर के पिताजी हैं उन्होंने उनका एडमिशन एक बड़े विद्यालय में किया। उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में कैसा था, बहुत ही कमज़ोर था। सभी उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। कभी कभी लूज पॉस्चर उनके पिता के काम में हेल्प भी करते थे। अचानक एक घटना हुई उस गांव में क्या हुआ, एक अचानक घटना हुई जहां वे रहते थे, वहां पास में ही एक जंगल था जहां भेड़िया थी। भेड़िया अक्सर गांव में आ जाया करते थे और गांव के लोगों को काट लिया करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने जो भेड़िया है उन्होंने गांव के लोगों को काट लिया, मतलब 8 लोगों को गांव के भेड़िया ने, जो जंगल में प्रेजेंट है, गांव में आकर उनको काट लिया। दिन बीतने के बाद गांव वालों ने भेड़िए को क्या कर डाला, मार डाला, जिस भेड़िए ने उन 8 लोगों को काटा था। लेकिन पागल भेड़िए से काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग किसका शिकार हो गए, रेबीज का शिकार हो गए। 5 लोगों की हालत उस पागल भेड़िए जैसे हो गए, जो अजीबो गरीबो हरकत करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे। कुछ दिनों में ही वो तड़प तड़प कर उन सभी 5ों की क्या हो गई, मौत हो गई। लुई ने
उन लोगों का तड़पना देखा नहीं गया, लेकिन उनकी मदद दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज बीमारी कैसी थी, लाइलाज थी। गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या फिर पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था, जिससे गांव वालों की मौत हो जाती थी। गांव वालों के लिए ये आम बात थी, लेकिन बालक लुई से ये बात देखी नहीं गई। ठीक है, वह हमेशा पूछते हैं उनके पिताजी से कि पापा, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हम उन्हें बचा नहीं सकते क्या इन लोगों को? तो तंग आकर उनके पिता ने कहा कि क्यों नहीं, तुम ही इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं ढूंढते? पक्खू पढ़ो, नई खोजें करो, दिल लगाकर पढ़ो, तो इस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है, तो मैं क्यों ना रात दिन पढ़ूंगा। तो उन्होंने रात दिन पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह से कम लोगों को मरने ही नहीं दूंगा। अब लुई ने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा, जिसके लिए उनके पिता को कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की। पहले वो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और 1842 में वे स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे। किंतु दूसरों को पढ़ाने के साथ उन्होंने खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया लगभग हर खाने वाली चीज़ों में बेहद ही छोटे छोटे कीड़े प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने नग्न आँखों से उन छोटे छोटे कीड़ों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल आँखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लुई ने इन छोटे छोटे जीवाणुओं को बैक्टीरिया नाम दिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती थी। उन्होंने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वे अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मिल्क को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसे तुरंत ठंडा किया, तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद बैक्टीरिया ही दूध को ख़राब करते हैं। दूध को गर्म करके ठंडा करने की इस टेक्निक को आज भी लुस पॉस्चर के नाम से जाना जाता है, जिसे पाश्चराइजेशन टेक्निक्स कहते हैं। अब लुई पाश्चर के दिमाग में एक विचार आया, जिस तरह से जीवाणु हर खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, तो हो सकता है ये बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यही जीवाणु जो हमें बीमार करते हैं, और हो ना हो रेबीज के लिए भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है। उन्होंने सोचा रेबीज के इन कीड़ों की पहचान कर उन्हें ख़त्म करने का तरीका अगर समझ लिया जाए, तो संसार के लिए सदा के लिए जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए लुई ने रात देखा न दिन, वे रेबीज वो क्या करते थे, जो रेबीज हो चुके कुत्ते या भेड़िया जहाँ भी दिखे वहाँ चले जाते थे, और वो तुरंत वहाँ पहुँचकर उन भेड़ियों को ट्रीटमेंट करते थे, चाहे वो जानवर जो है उन्हें काट क्यों ना ले। रेबीज का शिकार बना दे या कुछ भी कर दे, पर वो अपने रिसर्च के लिए जहाँ पे भी कुत्ते या भेड़िया मिले उन्हें, वे वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन वो हर हाल में अपनी जान जोखिम में डालकर उस जानवर को पकड़ते थे। ठीक है, उस जानवर को पकड़ते थे
और रक्त की जांच करते थे। उन्हें न खाने की फिक्र थी न परिवार की, मानवता के लिए उन्होंने उस डॉग को जो डॉग है को धर पकड़ने की ज़िंदगी बिता दी। परिवार की तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण उनकी पत्नी अक्सर उनसे नाराज़ रहा करती थी, लेकिन लुइस पाश्चर को उनके त्याग का परिणाम मिला। उन्होंने रेबीज़ के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने क्या किया? रेबीज़ के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने जाना पागल कुत्ते व भेड़िया जैसे शरीर के साथ साथ इनके लार में भी वायरस प्रेजेंट होता है, और जब रेबीज़ से अफेक्टेड जानवर किसी इंसान या फिर हेल्दी एनिमल को काटता है तो उनके मुंह के लार से निकला रेबीज़ वायरस घाव के माध्यम से पूरे बॉडी में प्रवेश कर जाता है और दूसरे एनिमल्स को भी संक्रमित कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके उस वायरस को कैसे नष्ट किया जाए। दूध की तरह शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता। पाश्चर साहब ये भली बाजी जानना चाहते थे कि हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति छुपी हुई होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये बॉडी रेबीज के वायरस को क्यों हरा नहीं रही है, क्यों उन्हें किल नहीं कर रही। तभी उनके किसी दोस्त ने बताया कि मुर्गी में फैले किसी ऐसे रोग के बारे में जिसमें एक एक कर सभी मुर्गियां मर रही है। लुइस पाश्चर ने अपने प्रयोग और मुर्गी के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या विषाणु होते हैं जो किसी भी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देते होते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को से लड़ तो सकती है, नष्ट भी कर सकती है, लेकिन विषाणु हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर अपना कार्य करता है। तो कैसे इतने होशियार हो चुके वायरस की पहचान की जाए, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी पहचान किस प्रकार से कराया जाए हमारी एंटीबॉडी से, ये सब कैसे होगा, ये सोचते लुइस पाश्चर ने खाना पीना छोड़ दिया। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आखिरकार लुइस पाश्चर को सफलता मिली। हुआ ये कि मुर्गी के साथ किए गए प्रयोग के दौरान मर चुकी मुर्गियों के रक्त से बीमार करने वाले विषाणु को निकाला और उस विषाणु को एक खास तरह के लवण में डाला। उस लवण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। अब इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने उस मुर्गी को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी, मतलब हेल्थी थी, स्वस्थ थी। नतीजा हैरान करने वाला था कि जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगा था वे पूरी तरह से बीमारी से प्रभावित हो गई और लास्ट में उनकी डेथ हो गई, मतलब वो मुर्गियां मर चुकी थी। असल में लवण से निष्क्रिय किए गए विषाणु जब मुर्गी में डाले गए तो विषाणु निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही विषाणुओं को अपने आप को छुपाना पड़ा। निष्क्रिय वायरस को एंटीबॉडी को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। इस प्रकार निष्क्रिय व सक्रिय विषाणु को किल करना शुरू कर दिया हमारी एंटीबॉडी ने। अब हैजे जैसे वायरस मुर्गियों के शरीर को पर कैसे हो चुके थे, बेस असर हो चुके थे। मानवता के विकास में ये बहुत बड़ी खोज थी। इसी खोज को आधार मानकर अगले कुछ दशकों में अनेक प्राणघातक बीमारियों के इलाज में विभिन्न खोजें करते रहे और नए नए कार्य करते गए। लुई ने खोज से प्रसन्न होकर जब अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने बचपन के सपने और रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिली। उन्होंने रेबीज के वायरस के निष्क्रिय करके एक हेल्दी डॉग में डाला। उससे डॉग के बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई और उस वायरस को एंटीबॉडी ने पहचान लिया
और उसे बेअसर करके वहाँ पे उसे डिग्रेड कर दिया। जब उसी कुत्ते के रेबिस के सक्रिय वायरस डाले गए तो भी कुत्ते में रेबिस के सक्रिय वायरस डाले गए तो भी कुत्ते में रेबिस नहीं हुआ, वो हेल्थी रहा। डॉग की बॉडी ने रेबिस के वायरस को लड़ना सीख लिया था। लेकिन ये ह्यूमन के शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इसी विषय पर अनुसंधान कर रहे थे तभी एक महिला अपने बच्चों को लेकर उनके पास रोते हुए आई। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने उनके बच्चे को काट लिया और हर घंटे उनके बच्चे की जो हालत है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। लुईस पाश्चर ने जांच की तो पाया बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था लुईस पाश्चर ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़कर उसकी जांच की तो पाया कुत्ता रेबिस का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबिस का शिकार था। भले ही रेबिस के वायरस को कुत्ते पर सफलता मिली लेकिन किसी इंसान पर इलाज आजमाना बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि शरीर में रेबिस के विषाणु का रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने के लिए रेबिस का ही वायरस बच्चे में छोड़ा जाना था। भले ही वह वायरस निष्क्रिय होता लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर वो क्या असर करता इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बच्चे की माँ लुई को बच्चे को बचाने के लिए कहती है लेकिन उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन शुरुआती समय में भी अभी उन्हें बहुत सारे प्रयोग करके देखना था। अगर वो बच्चे को अपना प्रयोग आजमाते सफल नहीं होता तो उससे दोष भी उन पर ही मर दिया जाता और वो उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार होते। वैक्सीन ना आजमाने की स्थिति में भी उस बच्चे की मौत होने वाली थी। वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया और उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस को बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि वैक्सीन अजमाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबिस वायरस को बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट किया। फिर वे प्रतिदिन डोज बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिए और आखिरकार उन्हें पूरी मानवता की रक्षा करने वाले महान आश्चर्यजनक सफलता मिली। उस बालक को रेबिस नहीं हुआ। लुई की खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी थी, मानवता को बहुत बड़े संकट से बचाया था। रेबिस के टीके की खोज किसने की है, लुईस पाश्चर ने की है। रेबिस का इलाज नहीं है कुत्ते, ऐसा बोला जाता है कि रेबिस का इलाज नहीं है कुत्ते के काटने के तीन दिन बाद यदि रेबिस का टीकाकरण कर दिया जाए तो उन्हें आसानी से बचाया जा सकता है। इस प्रकार जो हमारे लुईस पाश्चर है उन्होंने रेबिस के टीके का आविष्कार किया। इस प्रकार लुईस पाश्चर ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। इसके अलावा भी बहुत से प्रयोग किए गए। पाश्चर ने जीवों के रोग के प्रतिरक्षण गुणों के संबंध में कई प्रयोग किए गए। 1980 में मुर्गी के बच्चे से कोलेरा के जीवाणुओं को विमुक्त कर उन्हें शुद्ध कल्चर प्राप्त किया और कोच द्वारा इन प्रतिपादित सिद्धांतों द्वारा उनकी रोग संबंध स्थापना की। पाश्चर ने मुर्गी के चूजों के बैक्टीरिया के प्योर कल्चर से संक्रमित किया, जो मुर्गी के चूजे होते हैं उनको बैक्टीरिया जो हमारा प्योर कल्चर है उसे इन्फेक्टेड किया। इन्फेक्टेड करने के पश्चात उन्होंने पाया कि सारे बच्चे मर गए लेकिन परिणाम ये हुआ कि वे सारे बच्चे कैसे थे, स्वस्थ थे। अध्ययन से पाया गया कि उन्होंने भूल से पुराने कल्चर को उन मुर्गियों में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उन्होंने 2 बैच बनाए, ठीक है। एक बैच में बच्चे को पुराने कल्चर से और एक इसमें क्या किया उन्होंने फ्रेश कल्चर को ट्रांसफ़र किया। दोनों ही वर्गों के बच्चे को क्या किया, फ्रेश कल्चर से संवर्धित से फ्रेश कल्चर
प्योर कल्चर जो है उसे इनाकुलेट किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो फर्स्ट जो बैच था उनके सारे बच्चे मर चुके थे, जबकि जो सेकंड क्लास थे वे बच्चे कैसे थे, स्वस्थ थे। इसका कारण ये, इससे ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न करने की क्षमता कुछ समय पश्चात कैसी हो जाती, क्षीण हो जाती। मतलब जो ओल्ड कल्चर है उसमें बैक्टीरिया की जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी वो कैसे हो चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी। इसीलिए जब उसे मुर्गी में ट्रांसफ़र किया गया तो मुर्गी की डेथ नहीं हुई, चूजों की डेथ नहीं हुई। तो इस प्रकार हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किए और इन सब एक्सपेरिमेंट करने के कारण भी अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाए। इसी कारण उनकी जो तीन बेटियाँ थी जिनमें से दो की डेथ हो चुकी थी कैंसर के कारण, और एक जो उनकी डॉटर थी जिनको टाइफाइड था उसकी भी डेथ हो गई। इस कारण उन्होंने ख्याति तो बहुत हासिल की कुछ दिनों बाद, लेकिन फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाए, इनका हमेशा उन्हें मलाल था। कुछ दिनों बाद जो लुइस पाश्चर है उनकी तबीयत ख़राब हो गई, है ना, वो लकवा ग्रस्त हो गए थे और 1895 में लुइस पाश्चर की डेथ हो गई। तो ये था लुइस पाश्चर का जीवन परिचय। थैंक यू।